हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम ईशा मल्होत्रा है एंड सी शार्प ट्यूटोरियल में आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक है हमारा 2D एरे या फिर 2 डायमेंशनल एरे। अपनी पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि 1 डायमेंशनल एरे क्या होता है और 1 डायमेंशनल एरे हम कैसे क्रिएट करते हैं एंड देन उसे कैसे प्रिंट कराते हैं। अपनी इस वीडियो में हम लोग 2 डायमेंशनल एरे के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मैंने सबसे पहले एक इंटीजर एरे लिया इस तरीके से। तो ये जो कॉमा मैंने दिया है, जो कॉमा के लेफ्ट साइड का एरिया है वो रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पे कितने नंबर ऑफ रो होंगी एंड राइट साइड का एरिया रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पे कितने नंबर ऑफ कॉलम आएंगे, मीन्स हर रो में कितने कॉलम। एरे लिया, न्यू इंटीजर। मैंने कहा कि मुझे 2 रोज चाहिए एंड 3 कॉलम्स चाहिए, तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, अब जैसे हम 1 डायमेंशनल एरे में इंडेक्स के बेसिस पे काम करते थे, तो यहां पर भी हम सेम इंडेक्स के बेसिस पे काम करेंगे, चाहे वो रो हो चाहे वो कॉलम हो। एंड इंडेक्स यहां पर भी 0 से स्टार्ट होगा। तो मैंने लिया AR, तो AR की सबसे पहले मुझे देना रो, यानी कि 0 रो के 0 कॉलम पे मुझे चाहिए वैल्यू 10। सिमिलरली एरे के 0 रो के फर्स्ट कॉलम पे मुझे चाहिए वैल्यू 20। एरे के 0 रो के सेकंड कॉलम में मुझे वैल्यू चाहिए 30। तो ये हमने हमारी रो कंप्लीट हो गई एक। अब इस एरे की फर्स्ट रो के 0 कॉलम पे हमें चाहिए नेक्स्ट वैल्यू, सपोज मैंने दे दिया 90। सिमिलरली बाकी की वैल्यूज भी ले लेंगे। ठीक है, तो ये हमने वैल्यू इनपुट ली, यानी कि इस एरे में हमने वैल्यू को स्टोर करा दिया। अब हमें लूप के थ्रू इसे प्रिंट करवाना है। तो अगर हम फॉर लूप की बात करें तो हमें फॉर लूप में 2 लूप देने होंगे, पहला लूप जो रो तक चलेगा एंड दूसरा लूप जो हर रो के कॉलम को प्रिंट करवाएगा। तो हमने दिया फॉर इंटीजर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल टू 2, आई प्लस प्लस, क्योंकि हमारी 2 रो हैं इसलिए हमने इस तरीके से लिया। दूसरा रूप लिया इंटीजर जे इक्वल टू 0, जे लेस देन इक्वल टू 3, सॉरी यहाँ पे हम 2 देंगे, लेस देन इक्वल टू दे रहे हैं, यहाँ पे हम 1 देंगे, जे प्लस प्लस। हमें प्रिंट करवाना है एरे की आईएथ एंड जेएथ वैल्यू को। ठीक है, जब हमारा फर्स्ट रो कंप्लीट हो जाए तो एक न्यू लाइन दे देते हैं। तो हमने यहां पे प्रिंट करा दिया br टैग। ठीक है, यहां पे एक कॉमा भी दे देते हैं, प्रिंट कराते अपनी वैल्यू को। ठीक है, तो आप देखिए ये इस तरीके से हमें वैल्यू जो है वो मिल गई। तो हम इस तरीके से अपने 2 डायमेंशनल एरे या मल्टी डायमेंशनल एरे को प्रिंट करवा सकते हैं। अपनी अगली वीडियो में मैं जैक्ड एरे के बारे में डिस्कशन करूंगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, बाय।